नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेल्थ वेलनेस सेंटर सेवा में लखीसराय टॉप पर। कृषि विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कैसे गर्मी में खुद को रखें हाइड्रेट। मेडल लाओ नौकरी पाओ का जल्द खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। पाटलिपुत्र सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती की बड़ी जीत। समस्तीपुर से सांसद का चुनाव जीतने वाले संभवी ने बनाया ये रिकॉर्ड। राहुल द्रविड़ ने बताया वे दूसरी बार भारतीय टीम के हेड कोच होंगे या नहीं। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकाली भर्ती। नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 182 पदों पर आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट hal-india.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में किए गए प्रदर्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। हेल्थ वेलनेस सेंटर सेवा में लखीसराय टॉप पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूबे के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में परफॉर्मेंस पर आधारित स्टेट रैंकिंग जारी किए गए हैं। इस रैंकिंग में 19 मानकों पर प्राप्त अंकों के आधार पर जिलेवार रैंकिंग की जाती है। मार्च महीने के लिए जरूरी ताजा रिपोर्ट रैंकिंग में सूबे के 14 जिलों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने बेहतर प्रदर्शन किया है और अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए लगातार तीसरे महीने लखीसराय व खगड़िया पहले और दूसरे पायदान पर रहा है। विभाग द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पटना जिले ने भी अपनी स्थिति में 3 रैंकों का सुधार किया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र के अनुसार इस तरह की रैंकिंग से स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित होती है, जिससे सुविधाएं और भी अधिक दुरुस्त होती हैं और इसका फायदा आम जनता को मिलता है। बता दें कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार किए जाएंगे। बिहार लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना बीते दिन 4 जून को शुरू हुई। बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म होता रहा। ईसीआई के अनुसार भाजपा और जदयू ने 12 सीटें जीती हैं। आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि एलजेपीआर ने 5 सीटें जीती हैं। सीपीआई ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि हम और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। इन सभी लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कौन सी सीट बनी हुई थी, हम उसके बारे में अब आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आता है आरा का सीट। यहां से महागठबंधन प्रत्याशी सीपीआई के सुदामा प्रसाद ने अपनी जीत दर्ज की है। ये 59,808 वोटों से जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय, यहाँ से बीजेपी के गिरिराज सिंह थे एनडीए प्रत्याशी, इन्होंने 81,480 सीटों से वोटों से जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर है गया, यहाँ से जीतनराम मांझी ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर 1,18,212 सीटों से अपनी जीत दर्ज की है। वहीं हाजीपुर से चिराग पासवान ने 1,70,105 सीटों से अपनी जीत दर्ज की है। जमुई से अरुण भारती, जो एनडीए प्रत्याशी रहे एलजेपीआर के तरफ से, इन्होंने 1,12,482 वोटों से जीत हासिल की है। काराकाट में राजा राम सिंह सीपीआई के प्रत्याशी थे महागठबंधन की तरफ से, इन्होंने भी 1,05,858 वोटों से जीत दर्ज की है। किशनगंज की बात करें तो यहां से मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की है, इन्होंने 59,692 सीटों से जीत दर्ज की है। वहीं मुंगेर में ललन सिंह जीते हैं, इन्होंने 80,870 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। नालंदा की बात करें तो यहां से कौशलेंद्र कुमार एनडीए प्रत्याशी के तौर पर अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं, इन्होंने इस सीट से 1,69,114 वोटों से जीत दर्ज की है। नवादा सीट से विवेक ठाकुर जीते हैं एनडीए प्रत्याशी के तौर पर, इन्होंने ये जीत 67,670 वोटों से दर्ज की है। वहीं पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर 85,174 वोटों से जीती हैं। वहीं पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद बीजेपी से थे, इन्होंने 1,53,846 वोटों से जीत दर्ज की है। बात करें पूर्णिया की तो यहां से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं, इन्होंने ये जीत 23,847 वोटों से दर्ज की है। वहीं समस्तीपुर से सांभवी चौधरी जीती हैं, इन्होंने ये जीत 1,87,251 वोटों से जीती है।
शिवहर से लवली आनंद एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीती हैं। वहीं इन्होंने ये सीट 29,143 वोटों से जीती है। उजियारपुर से नित्यानंद राय थे, ये भी एनडीए प्रत्याशी और इन्होंने ये जीत 60,102 वोटों से जीती है। मेडल लाओ नौकरी पाओ का जल्द खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मेडल लाओ नौकरी पाओ का पोर्टल अब जल्द ही खोला जाएगा और इस योजना के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरन के अनुसार जून महीने में ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो साथ ही खेल सम्मान समारोह का पोर्टल भी खोला जाएगा, जिसके बाद खिलाड़ी खेल सम्मान समारोह में पुरस्कार पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर किए गए आवेदन की जाँच के बाद खिलाड़ियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। मौसम की मार से शाही लीची को हुआ नुकसान। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची पर इस बार मौसम की मार पड़ी है, जिसके कारण शाही लीची पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस बार लगभग 40-50% शाही लीची को नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ शाही लीची ने मौसम की बड़ी मार झेली है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की लीची की पैदावार थोड़ी बहुत ठीक रही है। शाही लीची के मुकाबले चाइनीज लीची कम प्रभावित हुई है। पैदावार चाइनीज लीची की एक तरफ बेहतर हुई है, तो वहीं इसके साइज में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इस बार चाइनीज लीची पहले के मुकाबले साइज में छोटी देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी पर कही बड़ी बात, बिना शर्त देंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी पीएम मोदी से किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं करेगी। उन्होंने कहा, जनता ने एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है और प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी के 5 सांसद यहां जीतने में कामयाब रहे तो उसकी वजह एनडीए है। गौरतलब है कि आरएलजेपी ने अपनी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास को बिहार की 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जिसमें से सभी 4 सीटों पर चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने जीत अपने नाम किए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालय में रिक्त पदों पर आवेदन की तिथि में हुआ विस्तार। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में 6ठी और 9वीं कक्षा के रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन 15 जून तक हो सकेंगे। 10 मई को रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी की गई थी, लेकिन 15 से 20 मई तक रिक्त सीटों पर कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आवेदन की तिथि में विस्तार किया गया है। बता दें कि 18 से 20 जून तक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जबकि 22 जून को नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और 25 जून को परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। पूर्णिया से अपनी जीत दर्ज करने के बाद पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपनी जीत दर्ज कर ली है। पप्पू यादव इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे और उन्होंने एनडीए व महागठबंधन दोनों के ही प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की है। अपनी जीत के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने सभी जात के युवाओं के सहयोग के कारण पूर्णिया से लीड किया है। इस जीत के लिए कोसी सीमांचल को मैं अपनी जिंदगी भी दे दूंगा, फिर भी कम होगा। मैं जीत के प्रति आश्वस्त था, हमेशा कहता था कि लोगों ने मुझे अपना बेटा मान लिया है। बिहार में पारंपरिक खेती को आधुनिक बनाने की चल रही तैयारी। बिहार में अब तक पारंपरिक तरीके से खेती होती आ रही है। बिहार में खेती को पारंपरिक से आधुनिक तरीके से बनाने के लिए कृषि में सेंसर आधारित तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। कृषि विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। इन विषयों से जुड़ी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव भी दिया गया है। प्रथम चरण में प्रस्ताव कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, AI और रोबोटिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की पढ़ाई का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डाटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया गया है। इन सभी विषयों से खेती को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। पाटलिपुत्र सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मिसा भारती की बड़ी जीत।
पाटलिपुत्र सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मिसा भारती ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चाचा रामकृपाल यादव को शिकस्त दी है। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट के सबसे मजबूत दावेदार कहे जा रहे थे और एनडीए इनकी जीत को लेकर भी सुनिश्चित थी, लेकिन मिसा भारती रामकृपाल यादव को करारी हार दे चुकी हैं। माना जा रहा है कि मिसा भारती के जीत के पीछे तेजस्वी यादव और लालू यादव का बड़ा हाथ रहा है। समस्तीपुर से सांसद का चुनाव जीतने वाले संभवी चौधरी ने बनाया ये रिकॉर्ड। 18वीं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अब सबके सामने आ चुका है। इस चुनाव में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इसमें संभवी चौधरी का नाम भी शामिल है। संभवी चौधरी समस्तीपुर सीट से चुनाव में खड़ी हुई थी और अब चुनाव जीत चुकी है। इस जीत के साथ ही वे बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद बनने जा रही है। 4 जून को संभवी 25 साल 11 महीने और 20 दिन की हुई। इन्हें करीब 4.46 लाख वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी सबसे अधिक उम्र के सांसद बनने जा रहे हैं। इन्होंने गया सीट से 1,01,812 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद यूपी के कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज बन सकते हैं। 4 जून को ये 25 साल 3 महीने और 3 दिन के हो चुके हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे लव सिन्हा के बारे में। लव सिन्हा पेशे से एक भारतीय अभिनेता हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1983 में बिहार के पटना में हुआ था। ये शॉर्ट गन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और सोनाक्षी सिन्हा के भाई हैं। ये फिल्म सादिया में मुख्य कलाकार के रूप में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा ये पलटन और गदर 2 फिल्म में भी अभिनय कर चुके हैं। फिल्मी करियर के अलावा ये राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कृषि विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कैसे गर्मी में खुद को रखें हाइड्रेट। गर्मी के दिनों में सभी को लू से बचने की खास सलाह दी जा रही है। बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि इस गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखें। अब इसी कड़ी में कृषि विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के आधिकारिक हैंडल पर इससे संबंधित कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। गर्मी में नींबू पानी पीने की बात कही गई है ताकि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रख पाएं। विभाग द्वारा नींबू पानी पीने के कई लाभ भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नींबू पानी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। शरीर को ये हाइड्रेट रखता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वजन घटाने में फायदेमंद है, साथ ही पाचन क्रिया में भी सुधार करता है। इस दिन से शुरू होगा शादी विवाह का मुहूर्त। हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण कार्य शुभ मुहूर्त के मुताबिक किए जाते हैं। इनमें शादी विवाह आदि कई चीजें शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि शादी शुभ मुहूर्त में ही हो तो देवी देवता भी दंपति को आशीर्वाद देते हैं। शादी विवाह का मुहूर्त एक बार फिर से शुरू होने वाला है। शादी विवाह का ये मुहूर्त जून के अंतिम महीने से शुरू होकर जुलाई तक रहेगा। 28 जून को शादी विवाह का एक मुहूर्त है, वहीं 7 मुहूर्त जुलाई के महीने में है। इसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 व 16 जुलाई शामिल है। इसके बाद सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिससे 118 दिन तक शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। पूर्व मध्य रेलवे को जारी हुए रुपयों से बनेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स। वंदे भारत के रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब इन रुपयों से पटना से खुलने वाली पटना गोमती नगर समेत चारों वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पाटलिपुत्र जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर किया जाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स में ट्रेनों का रखरखाव किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व मध्य रेलवे को जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि इस कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण विश्व स्तरीय तरीके से किया जाएगा। जानिए आज क्या होगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में कई जगहों पर लोगों को बारिश की संभावनाओं के बीच थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। आज भी प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही प्रदेश में उत्तर मध्य उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में एक या दो स्थानों पर गर्म और आर्द्र रहने की बात कही गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है।
नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने वाली खबरों पर केसी त्यागी ने कही ये बात। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। चुनावी रिजल्ट सामने आते ही कई नेता कई तरह के दावे कर रहे हैं। अब इसी बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने की चर्चा तेज हो चुकी है। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के फिर से इंडिया गठबंधन में जाने का खंडन किया है और कहा है कि जदयू एनडीए का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। नीतीश कुमार को लेकर चल रहे बातें पूर्ण रूप से भ्रामक है। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में माले ने किया शानदार प्रदर्शन। इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार के चुनाव में पूरे 35 साल बाद माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से माले को 3 सीटें दी गई थी, जिसमें आरा, काराकाट और नालंदा शामिल था। इन 3 सीटों में काराकाट से राजा राम सिंह और आरा से सुदामा प्रसाद ने अपनी जीत दर्ज की। दोनों ही सीटों पर माले की जीत ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद अब चुनावी नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। वहीं बिहार के सबसे हॉट सीटों में से काराकाट लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मुकाबले में आने के बाद से ही यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था और इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, इंडिया गठबंधन के राजा राम और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। वहीं अपनी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिव मंगल सिंह सुमन की लाइनें लिखी हैं और लिखा है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में को दोहराते हुए चुनाव में दिन रात एक कर मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। गया से जीतनराम मांझी की शानदार जीत। बिहार के गया लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी जीतनराम मांझी की शानदार जीत हुई है। आपको बता दें कि जीतनराम मांझी एनडीए के उम्मीदवार थे। इस सीट से उन्होंने राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को हरा दिया। 1,00,000 वोटों के अंतर से जीतनराम मांझी की जीत हुई है। मालूम हो कि गया सीट से पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग देखने को मिली थी। यहां 2019 की तुलना में 4.16% वोट कम हुए हैं। यहां से 52% सीटों पर मतदान हुआ था। जीतनराम मांझी के यहां से चुनाव जीतने के बाद अमित शाह समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। राहुल द्रविड़ ने बताया वे दूसरी बार भारतीय टीम के हेड कोच होंगे या नहीं। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 विश्व कप 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा। हेड कोच के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आवेदन मांगे गए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने इसके लिए आवेदन नहीं किया था। अब इसी बीच राहुल द्रविड़ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने कोचिंग के दौरान काफी एंजॉय किया। हर टूर्नामेंट उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं भारत के लिए जिस भी गेम में कोचिंग की है मैंने भारत के लिए जिस भी गेम में कोचिंग की है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे उन्होंने अपनी आगे की कोचिंग को लेकर साफ कर दिया कि वो बतौर कोच ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। अब द्रविड़ के इस बयान से साफ हो गया है कि वे इस टूर्नामेंट के बाद भारतीय टीम के कोच के पद पर नहीं रहेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1659 में मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आज के दिन वर्ष 1984 में पंजाब के अमृतसर में सिखों के धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। आज के दिन वर्ष 2002 में भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की जांच CBI से कराने की भारत सरकार को निर्देश दिए थे। आज के दिन वर्ष 1961 में रमेश कृष्णन का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर अब एडल्ट और वॉयलेंट कंटेंट नहीं कर सकेंगे शेयर। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी द्वारा एडल्ट और वॉयलेंट कंटेंट शेयर करने को लेकर कुछ नए नियम लाए गए हैं। कंपनी द्वारा कहा गया है कि एक्स यूजर्स अब विजिबल प्लेस पर एडल्ट कंटेंट शेयर नहीं कर सकेंगे, यानी अब वे ऐसे एडल्ट कंटेंट को अपने प्रोफाइल फोटो और बैनर में भी नहीं दिखा सकेंगे। एडल्ट और कंटेंट के लिए जो पॉलिसी लॉन्च हुई है उससे प्लेटफॉर्म के नियमों को लेकर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी।
आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे वायरल हो रहे इस फर्जी आर्टिकल के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आर्टिकल वायरल हो रहा है। इस फर्जी आर्टिकल के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक रिपोर्ट में 4 जून को मतगणना के समय बीजेपी और एनडीए की सीटों का आकलन किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आर्टिकल पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के आर्टिकल पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस बार खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में आई गिरावट। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। बीएसई पर सेंसेक्स 4389 अंकों की गिरावट के साथ 72,079.05 पर बंद हुआ है। एनएसई पर निफ्टी 5.93% की गिरावट के साथ 21,884.50 पर बंद हुआ। निफ्टी पर एचयूएल, हीरो, मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, नेस्ले और डिविस लैब्स सबसे ज़्यादा लाभ में रहे, जबकि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, ONGC, कोल इंडिया और SBI सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे। मेटल कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर, PSU बैंक में 10% से ज़्यादा की गिरावट के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार किए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर कुम्हरार। बिहार में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है बोधगया। इसका सही उत्तर राजगृह। ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। इसका सही उत्तर 1912। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर आम्बेडकर, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है उदय सिंह, ऑप्शन डी नंदा शंकरे। इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, निवास राजकुमार, रवि कुमार राम, अपेंद्र कुमार, राम बाबू दास, साहिल यादव, बिरजू कुमार, प्रवेश कुमार, कमल कुमार, ओम प्रकाश कुमार, बिरजू कुमार, उमेश ऋषिदेव, अरविंद कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।